तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फ़्लाइट का टिकट बुक कैसे करें, फ़्लाइट का टिकट ऑनलाइन बुक कैसे करें। अगर आप भी फ़्लाइट से ट्रेवल करना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं या इमरजेंसी में कहीं भी, तो अगर आप अपना फ़्लाइट का टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप इजीली ऑनलाइन घर बैठे हुए कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे ताकि आप अपना फ़्लाइट का टिकट कभी भी कहीं भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ जाए और कहीं भी आपको इमरजेंसी सेवा आ जाए और आप फ़्लाइट से जाना चाहते हैं, तो आप अपने फ़्लाइट टिकट के काउंटर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे हुए जो कि ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आप जो कि फ़्लाइट का टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। बुक करने के लिए आपको जो कि कहीं नहीं जाना है, आप घर बैठे हुए अपने ही मोबाइल से ऑनलाइन जो कि बुक कर सकते हैं फ़्लाइट का। तो फ़्लाइट का टिकट बुक करने के लिए हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे, लाइव आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस ना कीजिएगा ताकि आप अपना जो कि फ़्लाइट का टिकट करने में कोई भी असुविधा हो, आप उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा मिस मत कीजिएगा, पूरा इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ध्यानपूर्वक से आप अपना फ़्लाइट का टिकट जो कि बुक कर सकते हैं घर बैठे हुए अपने ही मोबाइल से। आज हम मोबाइल से आपको फ़्लाइट का टिकट बुक करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये लगे कि हम अब कहीं भी घर बैठे हुए कहीं भी रहकर हम अपना फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, कहीं जाने की कोई दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्स्ट्रा पैसा जो कि टिकट कराई जो कि एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, जो आपको गवर्नमेंट का कटता है जो आपको वही आपको पैसा देना है। तो चलिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको IRCTC आपको खोलना है। जैसे आप देख सकते हैं IRCTC एक एप्लीकेशन आती है जो कि आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहां से आपको मिल जाएगी। इसके बाद कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहां आपको फ़्लाइट का एक लोगो मिलती है, तो आपको फ़्लाइट वाले पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। अब जिसे क्लिक करते हैं तो ये हमारा ओपन हो जाएगा, तब तक हम वेट करेंगे जब तक ये हमारा फाइनली ओपन नहीं हो जाती है। ओपन होने के बाद तब इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा डायरेक्टली खुल कर आ गया। देखिए यहाँ इंडियन टेगरी एंड मिल गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ आप कहाँ से कहाँ तक आप ट्रेवल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं मुंबई से पटना, मुंबई से हम पटना जाना चाहते हैं, आपको डेट दे देना है। चलिए हम यहाँ से डेट दे देते हैं। डेट देने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद हम वेट करेंगे जब तक ये हमारा फाइनली ओपन नहीं हो जाती है। ओपन होने के बाद यहाँ देख सकते हैं पूरा आपको जो कि यहाँ फ़्लाइट सारा जितना फ़्लाइट है जाने आने वाली जो कि मुंबई से पटना कितने से कितने बजे टाइम है, सारा चीज़ आपको फ़्लाइट देखने के लिए यहाँ आपको एयर इंडिया मिल जाती है। उसके बाद आपको कौन सी किस टाइम में जाना है वो आपको मिल जाती है, 1:55 में खुलेगी आपको मुंबई से पटना, तो आपको इसमें से देख लेना है कि कौन सी आपको फ़्लाइट चाहिए, कब से कब कौन सी टाइम पर आपको ये फ़्लाइट चाहिए जो कि आपको जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पूरा आपको ट्रेन आ जाती है, सॉरी फ़्लाइट यहाँ आ जाती है जिस टाइम पर आपको जाना है, आपका पूरा यहाँ आपका टाइम देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ आपको टाइम मिल जाती है, आपका मुंबई बोर्डिंग मिल जाती है, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये आपका पैसा मिल जाता है, प्राइस देखने के लिए मिल जाती है कि इतना आपको पैसा लगेगा। ठीक है, बुक करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, बुक के लिए आपको टाइम टेबल देख लेना है। उसके बाद यहाँ आपको देखिए, अगर आप जो कि अगर एक तरीके भी बुक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक तारीख को क्लिक करके बुक कर सकते हैं, बुक करने पर क्लिक कर देना होगा। अब जिस भी बुक वाले पर क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक ये हमारा ओपन नहीं हो जाती। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट यूजर यहाँ आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है लॉगिन पर, तो इस पर हमको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक ये हमारा ओपन नहीं हो जाती है, या तो साइनिंग पर हम क्लिक भी कर सकते हैं। फ्लाइट डिटेल्स पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको देखिए चेक बैग यानी बैग आपको 15 kg तक ले जाना है, उसके बाद 7 kg, इससे आप बेसी नहीं ले जा सकते हैं। अगर इससे आप बेसी ले जाते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, आपको पैसा पे करना है, पैसा पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम यहाँ से टिकट बुक करेंगे। टिकट बुक करने के लिए हम बुक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद अब यहाँ से हम जो कि इस पर क्लिक करके हम यहाँ साइनिंग हो जाएंगे। उसके बाद हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे और यहाँ से अब आपको क्या करना होगा, अच्छी डालना होगा। उसके बाद यहाँ आपको डालने के बाद पूरे यहाँ फिर डिटेल डाल देना है। डिटेल डालने के बाद आपको
अब यहाँ से आपका सारा चीज़ आ चुका है, और यहाँ से आप एक्सप्रेस मोबाइल नंबर ठीक करके डाल देना है। उसके बाद यहाँ क्या करना होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ देना होगा। चले हम यहाँ मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देकर उसके बाद साइनिंग पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ तीन ट्रेवल करना है, तीन आपको स्टेप करना है। पहले हम बुक डिटेल्स आपको उसके बाद फिर भी उसके बाद पेमेंट आपको फाइनल करना है। उसके बाद आने के बाद हमने यहाँ सारा चीज़ कर लिया। उसके बाद देखिए अब यहाँ आपको डालना है ट्रेवल, उसके फर्स्ट मिडिल नेम जो भी है फर्स्ट नेम आपको देना है, मिडिल नेम देना है, आपका ईमेल आईडी, और यहाँ मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा जो कि हमने पहले पिछले ईमेल आईडी यूजर नेम मांग रहा था वहाँ हम दे दिए। उसके बाद देखिए आपको 7 kg से लेकर 15 kg तक आप ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। अब देख सकते हैं मुंबई इस तरह, देखिए यहाँ आपको मुंबई इस तरह से मिल जाती है। आपको देखिए GST नंबर देना है, अगर है तो छोड़ दीजिए, ये कंपलसरी है, ये छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ आपको फर्स्ट नेम, अब यहाँ आते हैं तो आपको देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस आपको देना होगा, कंट्री चूज करना होगा, स्टेट चूज करना होगा, सिटी चूज करना होगा, पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद आपको कि आपका पेमेंट आ जाता है, जो कि टोटल कितना पेमेंट लगेगा, किस किस चीज़ के लिए पेमेंट लग रहा है, ये सारे चीज़ आपको देख लेना है। देखने के बाद यहाँ आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलती है, तो आपको पूरा डिटेल्स भरकर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ये आपका टिकट फाइनली बुक हो जाएगा। तो आप इस तरह से आप अपना फ्लाइट टिकट घर बैठे हुए बुक कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्लाइट के काउंटर पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे हुए फ्लाइट टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो हमने सारे चीज़ इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी दे दिया। आई होप ये वीडियो पसंद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।